जी मेरी बच्ची है, 4 साल की है, जो कि दिल की मरीज है, और इसका इलाज पंथ में चल रहा था, और उन्होंने इसके लिए कोई दवाई लिखी जो कि उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने मुझे रेफर कर दिया। और केजरीवाल सरकार कहती है कि हर जगह ये दवाई फ्री मिलती है, हमारे सारे अस्पतालों में दवाई फ्री है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी जाता हूँ वो दवाई के लिए मना कर देते हैं। मैं चाचा नेहरू पे गया तो वहाँ भी 42,000 रुपये की दवाई बताई, और मैं RML गया तो वहाँ भी 42,000 रुपये की दवाई बताई, और मैं लोकनायक गया तो वहां भी मुझे 42,000 रुपये की दवाई बताई। अब मैं गरीब आदमी हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मैं कहाँ से वो दवाई अफोर्ड करूंगा? मेरे पास कुछ पैसे का जुगाड़ नहीं है, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, बहुत गरीब आदमी हूँ मैं।